नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आप लोगों की स्वागत करने आ गई हूँ। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक जर्नल रीडिंग, जिसमें होगी 72 आवर्स की जो फीलिंग्स है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये जो रीडिंग होगी एक जर्नल रीडिंग होगी। सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि एनर्जी चेंज होते रहते हैं। मेरा जो चैनल है ये नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरा चैनल ग्रो करेगा। रीडिंग सुनने के बाद प्लीज़ जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज मैं करूँगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये 12 राशि के लिए ही होगा। तो चलिए देखते हैं, मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। अरे मेष राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो तो आपके बारे में बहुत ही दुखी मन से सोच रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक ही जगह ठहरे हुए हो, आप दुखी हो। आपके पास जो ऑप्शन था वो अभी कोई भी ऑप्शन आपके काम के नहीं है। आपके पास ऑप्शन है फिर भी आप देख नहीं रहे हो, आप दुखी हो। तो मेष राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि अभी आप दुखी हो, स्थिर हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। फिर देखते हैं लियो राशि। लियो, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। लियो, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोच रखते हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी आपको एक तेज धार जवान जिसकी होती है, जो किसी की परवाह नहीं करते हैं, जो अपने धुन में मस्त रहते हैं, और एक राजा या रानी की तरह आप लाइफ लीड कर रहे हो। आपके पास सब कुछ है, आपको किसी की परवाह नहीं है, ऐसा सोच रहा है। तो लियो राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है कि आप एक राजा की तरह जी रहे हो, जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना वो किसी की परवाह करता है, ना किसी की चीज़ की कमी है। तो वो आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोच रखते हैं। फिर आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो सोच रहे हैं आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपके साथ रिश्तों में एक नई बिगिनिंग किया जाए। हो सकता है आप बहुत दिनों से अपने रिश्तों में कुछ खटास चले आ रहे थे, तो अभी आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। फिर देखते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो सोच रहा है कि आप अपने रिश्तों में एक नई शुरुआत करोगे। अभी आप एक बच्चों की एनर्जी में हो, आपके पास कोई, आपके मन में कोई खोट नहीं है, आपके पास कोई आपके मन में कोई दुख भी नहीं है। जो कुछ था आपने सब मन से हटा दिया। अभी आप जो है एक छोटे बच्चे की एनर्जी में हो, आप अपने रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हो। जो आपके लिए नहीं है उसको आप काट के फेंक दोगे, जो अच्छा है उसको रखोगे। तो आफ्टर ऑल आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। फिर आते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में क्या बोले। मिथुन राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में ये सोच रहा है कि आपकी रिश्ते को ख़त्म किया जाए। आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, इस रिश्ते में अब कोई जान नहीं है, इस रिश्ते में लगे रहना कोई बुद्धिमानी की काम नहीं होगी। फिर वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, ऐसा वो सोचता है कि आप इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो। इस रिश्ते में अभी कुछ बचा नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। फिर आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो ऐसा सोचता है कि आप उनको हमेशा अपमानित करते रहते हो, उनकी जो कमियां हैं आप हमेशा उनको निकालना चाहते हो, आप उनको कोई सम्मान नहीं देते हो, आपकी नज़र में उनके लिए कोई प्यार या सम्मान कुछ भी नहीं है। तो कुंभ राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं रखते हैं।
आप उनके बारे में थोड़ा अच्छा सोचिए तो उनका सोच भी आपके बारे में बदल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।